Assalamu alaikum ji, welcome to Decoding CSS and PMS. First of all, I would like to congratulate all of you who have qualified for the AD-MOD descriptive. So now thing is, everyone is freaking out just because the time is too short and you people have to appear in your descriptive exam on 11th. So now what to do? First of all, you need to calm your nerves down because everyone is having the same time period as you are. So the competition is on equal footing, so you don't need to worry about that. Obviously, all those who have qualified for the AD-MOD descriptive are those who have already prepared for this exam and have already experience of appearing in the other multiple one paper exams. बिकॉज कोई भी स्टूडेंट जो कि किस तरह का वन पेपर एग्जाम देता है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी और मल्टीपल जगहों पर भी ट्राई कर रहा होता है, उसने सी एस एस अटैम्प्ट भी किया होता है और पी एम एस की तैयारी भी कर रहा होता है, तो इसलिए आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन होती है, तो आपने उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना. नो, यू जस्ट नीड टू लुक एट द पैटर्न एंड सम इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑन विच यू कैन वर्क इन दीज टू लिमिटेड डेज. So the paper pattern of AD-MOD descriptive is like this. आपके दो papers होंगे, paper 1 and paper 2, and each will be of 100 marks. Paper 1 जो है वो आपका, उसके अंदर वो आपसे पहले question जो करता है, usually अभी तक जो करता आया है वो प्रेसी का question वो करता है, ठीक है. लेकिन हमने ये mind में रखना है कि वो इसको change भी कर सकता है, ठीक है. comprehension भी दे सकता है, वो आपको कोई translation paragraph भी दे सकता है, लेकिन अभी तक क्योंकि pattern यही चल रहा है वो प्रेसी देता है, तो आपने एक दफ़ा प्रेसी को देख लेना है, ठीक है. बेसिक रूल्स प्रेसी के क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए, और प्रेसी को टाइटल कैसे देते हैं, कैसे लिखते हैं, मतलब जस्ट यू नीड टू लर्न दी रूल्स, और उन रूल्स को आपने अब एक दफ़ा रिवाइज कर लेना. देन आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं रिमेनिंग, वो होते हैं आपके करंट अफेयर में से, और करंट अफेयर भी वो जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान से रेलेवेंट है उसको वो ज़्यादा टच करता है. लेकिन अगेन यहाँ पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो जनरल करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है. तो ये हम जो पेपर देख रहे हैं ये 2021 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है. इसमें जो उसने क्वेश्चन दिया, उसने वो वुमेन लेजिस्लेशन के हवाले से दिया, कोविड-19 के हवाले से दिया, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव यानी क्लाइमेट चेंज को वो टच कर रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद अफगानिस्तान से जो फोर्सेज का विड्रॉल और पावर वैक्यूम है उसको उसने टच किया. तो ये इसने जो है क्वेश्चन दिए. पेपर टू की तरफ चलते हैं, देखते हैं. पेपर टू में उसने आपको ऐसे देना है, और आपने एक ऐसे लिखना है जैसे आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे राइटिंग करते हैं, जो एकेडमिक ऐसे राइटिंग का तरीका होता है, ठीक है. तो जो आपका तीन टॉपिक वो देता है जिसमें से आपने एक करना होता है, ठीक है. उन तीन टॉपिक में से एक चूज करना है और आपने उसको ऐसे लिखना है. ऐसे आपने इसी पैटर्न पे लिखना है कि आप जो है उसकी पहले बेहतर है कि आउटलाइन डेवलप कर लें, लेकिन 2 आवर्स का ऐसे है तो अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रफ आउटलाइन तो फिर भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज आउटलाइन कहीं भी नेसेसरी नहीं होती है. इवन आपके सी एस एस में भी, ठीक है, आउटलाइन एक रोड मैप देती है, आउटलाइन एक क्लैरिटी देती है, लेकिन बहुत सारे लोग अब मेरी बात सुन के अग्री नहीं करेंगे एंड दे विल बी लाइक ये किस किस्म की बात कर रही हैं, बट बिलीव मी आउटलाइन आपकी ज़रूरी है, लेकिन आउटलाइन इतना कंपल्सरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है ये आपकी, ठीक है. तो अगर 200 मार्क्स का ऐसे है, आप रफ आउटलाइन बना के भी डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो इट विल बी ओके अनटिल अनलेस आपका ऐसे ठीक है, आपने साइड जो चूज़ किया है आपने उसको जस्टिफाई कर दिया. आप इंट्रो लिखेंगे, फिर आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड. एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. आपने क्वालिटी जो है वो अच्छी रखनी है, क्वांटिटी पे फिर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज चल जाता है. और ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया. लेकिन अभी लोगों को मसला ये हो रहा है कि इतने शॉर्ट टाइम में वो क्या करें, तो कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं. देखिए, करंट अफेयर 2023 डिस्क्रिप्टिव की अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे, इसके इकोनॉमिक इशूज क्या हैं, आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं इकोनॉमी का, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है. IMF के साथ जो हमारा चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव में वो पूछ सकता है, ठीक है. फिर अगेन क्लाइमेट चेंज जो है वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है,
और यूक्रेन एंड पैलेस्टीन वॉर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के ईरान के साथ जो इमर्जिंग रिलेशनशिप हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशनशिप जो डिटेरिएट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इम्पॉर्टेंट हैं, और पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी की न्यू वेव स्टार्ट हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान ने रिसेंटली एक स्पेस मिशन भेजा है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो जो यूक्रेन पैलेस्टीन वॉर है या फिर इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको एक नज़र देख लेना चाहिए, बिकॉज़ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो करंट अफेयर पाकिस्तान का ही देगा, वो दुनिया से भी उठा सकता है। और दुनिया में आजकल जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एक यूक्रेन और फलस्तीन की वॉर, और दूसरा दुनिया में न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें आपके पास न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ जाने की बातें भी हो रही हैं, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर की तरफ जाने की बातें भी हो रही हैं। तो इस तरह का ये जो सिनेरियो है इस चीज़ को एक आप देख लें, ठीक है। फिर उसके अलावा भी आपने करना क्या है कि आपने अपने एसए के प्रिपरेशन के लिए भी ये माइंड में रखना है कि आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, दिस शॉर्ट बहुत टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने पहले ऐसे लिखा होगा, आई एम श्योर कि जितने लोगों ने डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई किया है इनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास जो अपने नोट्स पड़े हुए हैं जहाँ पर आपने पहले पढ़ा है, ऐसे को लिखना सीखा है, कुछ आउटलाइंस आपने बनाई होंगी, सबसे बेस्ट तो वो है कि आप उन आउटलाइंस को रिवाइज कर लें, ठीक है, एक नज़र उन आउटलाइंस को देख लें तो वो आपको हेल्प करेंगी। फिर उसके अलावा जी आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है वो ठीक रखें, यानी आपने अपनी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने हैं, और वो तभी होगा जब आप अपने नर्व्स को रिलैक्स रखेंगे। अगर आप फ्रिक आउट करेंगे, आप परेशान होंगे, तो ऑब्वियसली आप गलतियां करेंगे। और एक बात याद रखें कि जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो यूजुअली इतना मुश्किल नहीं होता, यहाँ पर कम कंपटीशन होता है, तो यू पीपल हैव क्वालिफाइड फॉर दी डिस्क्रिप्टिव, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस अचीवमेंट को अपनी माइंड में रखें, और इस यहाँ से नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और अपने ऊपर यकीन रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपका डिस्क्रिप्टिव कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।